हेलो माई ट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई ट्यूब चैनल कारियर की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे हो। तो आप लोगों से बहुत दिन बाद मिलना हो रहा है, यानी कि मतलब मैं 2-3 दिनों के बाद ही आप लोगों से मिल पा रही हूँ। तो आप लोगों को बताएंगे ऐसे ससुराल में मतलब समय की बहुत जो है ना कीमत हो जाती है, तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है और फिर काम बाबू हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो बहुत मुश्किल से मैं आप लोगों से मिल रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को एंड मुझे। तो और जैसा कि मैं आप लोगों के साथ पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से अपनी रियल स्टोरी, लाइफ की रियल जर्नी, मैरिज लव स्टोरी, रिवर बने हस्बैंड, जी हाँ ये जो टैग आया है इसके पीछे जो स्टोरी है, जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप ये स्टोरी ज़रूर देखिए और आपको बहुत ही प्यारा, अमेजिंग और बहुत ही सबसे अलग मेरी स्टोरी है। तो रिवर बने हस्बैंड ये टैग कैसे आया, इसके पीछे क्या स्टोरी है, तो इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है। तो आप लोग ज़रूर देखिए जिन लोगों ने नहीं देखा है। तो आज तो खैर मैं आप लोगों के साथ स्टोरी शेयर नहीं कर रही हूँ, आज मैं डेली रूटीन कह सकते हैं होम ब्लॉग वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देख लीजिए ससुराल आते ही मैं कहाँ चले गई, वो भी अकेले। तो जी हाँ, आज इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग और प्यारी सी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और जब मैं यहाँ पे ससुराल आई तो उसके अगले ही दिन आप कह सकते हैं कि जान पहचान क्लोज ही है, तो उनके बेटे का रिसेप्शन था। तो रिश्ते में हमारे देवर रखते हैं, तो बस हम लोग बनठन के ससुर के वहीं पे निकल गए और बिना हस्बैंड के अकेले जाना पड़ा। बट कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरी सासू माँ थी, जेठानी थी, तो इनके पापा को कुछ काम था तो वो फिर पीछे से गए और पहले हम लोग निकल गए और बाबू भी हम ही लोग के साथ था। तो चलिए मैं आगे का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और वैसे मेकअप तो मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, बट थोड़ा बहुत जो मैंने किया है तो मैंने आप लोगों के साथ कुछ छोटा छोटा क्लिप शेयर किया है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और इन्जॉय कीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो है ना मैं रेडी हो गई हूँ, लेकिन रेडी होने के पहले मैंने क्या क्या किया तो थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में बनी रहिए। तो यहाँ पे देख लीजिए, साड़ी जो है ना मुझे पहनना अच्छे से नहीं आता है, बट मैंने आज अच्छे से पहन लिया है। और यहाँ पे देख लीजिए, मैं ये आज न्यू बिंदी ही लगाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेड साड़ी पहना हुआ है तो इसलिए मैंने रेड बिंदी लगाई। और यहाँ पे जो है ना, और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काजल और आईब्रो पेंसिल। तो मुझे वैसे ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मेरी जो आईब्रो है वो ऑलरेडी ब्लैक हैं इतने, और बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि घने भी हैं, तो मैं बस थोड़ा सा सेव करने के लिए कभी कभी लगा लेती हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मेकअप हो ही गया है और यहाँ पे बस मैं कह सकते हैं कि हाइलाइटर लगाने वाली हूँ, तो जो मैंने आप लोगों को दिखाया। तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो गया है, बस मुझे कंघी करना है और अच्छे से साड़ी को पिनअप करना है। तो और हाँ, कंगन भी पहनने हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं रेडी हो गई हूँ, बस मैंने कंघी नहीं किया हुआ है। और हम लोग बहुत जल्दी निकल जाते हैं 8 बजे के आसपास, और जल्दी भी आना रहता है क्योंकि बाबू लोग था तो फिर सो जाते, तो इसलिए जल्दी भी आना था। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पिनअप भी कर लिया साड़ी को। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि मैंने कैसी साड़ी पहनी है। तो मुझे तो ठीक ठाक लग रही है, बट आप लोग बताना। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था जो मैं आज शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं रेडी हो गई हूँ, तो बस अब हम लोग निकलने ही वाले हैं। और बाबू भी सोया हुआ था तो उसको भी जो है ना रेडी करना पड़ा, वो बहुत ज़्यादा रोने भी लगा क्योंकि उसे और सोना था, बट फिर रास्ते में वो ठीक मतलब खेलने लगा, उसे भी अच्छा लगा घूमना, और घूमना फिरना तो अच्छा लगता ही है बच्चे को।
तो यहाँ पे देख लीजिए मैं रेडी हो गई हूँ और बस कंघी भी कह सकते कंघी मैंने नहीं किया है, बाल पे क्लचर लगाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं रेडी हो चल चुकी हूँ और यहाँ पे देख लीजिए आप लोगों को सबसे स्पेशल डांस देखने मिलेगा मेरे बेटे का। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्यारा लग रहा है हर जगह और मैं ज़्यादा पिक ले भी नहीं पाई तो सॉरी मैं आप लोगों के साथ पिक शेयर नहीं कर पाऊँगी। तो यहाँ पे देख लीजिए अपना मम्मी का अपना खा लिया है तो उसका मम्मी निकलने वाले हैं, वहाँ पे स्टेज है दुल्हा दुल्हन का। तो यहाँ पे मैं और लगा तो मेरे बेटे का डांस आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए आप